हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ जो पूज्य गुरुदेव द्वारा बताया गया है। अगर आप कोई व्रत नहीं कर पाते हैं, कोई पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, तो आप अपने जीवन की समस्याओं को किस तरीके से घर रहकर भी दूर कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग समय के अभाव की वजह से पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, उपाय नहीं कर पाते हैं, व्रत नहीं कर पाते हैं, तो उनको एक काम प्रत्येक दिन अपने पूजा मंदिर में अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से भी आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। गुरु जी कहते हैं कि सभी देवी देवताओं में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली भगवान शिव हैं। अगर शिव महापुराण की माने तो सर्व शक्तिशाली और कृपालु और दयालु भाव रखने वाले भगवान शिव हैं। अगर जो व्यक्ति सच्चे मन से एक लोटा भी भगवान शिव को समर्पित करता है तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ऐसे में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो पूजा पाठ नहीं करना चाहते या फिर उनके पास में समय का अभाव है, यानी कि समय नहीं है, कहीं ऑफिस जाते हैं, जॉब करते हैं, जिसकी वजह से पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों को एक काम अवश्य करना चाहिए। इसके लिए आपको क्या है, जैसे कि भगवान शिव पर जितनी भी शरीर से लेकर हाथ में जितनी भी वस्तुएं धारण की हैं, उन सभी वस्तुओं का एक अलग महत्व है। उन्हीं वस्तुओं में से एक वस्तु है डमरू। अगर कोई व्यक्ति सोमवार के दिन अपने घर में डमरू ले आता है और उस डमरू की स्थापना अपने पूजा मंदिर में कर देता है और शाम के समय जब दीपक जलाते समय उस डमरू को 3 बार बजा करके बम भोले या ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का भी जाप कर लेता है, तो उसके घर से कई प्रकार की बुरी शक्तियां घर से बाहर हो जाती हैं, रोग बीमारी भी दूर हो जाते हैं और ऐसे घरों में कभी अमंगल नहीं होता है। और वे जिस कार्य को करना चाहते हैं उस कार्य के लिए घर से बाहर निकलते हैं और उस डमरू की ध्वनि अपने कानों में, यानी कि डमरू बजा करके जाते हैं और उसकी ध्वनि अगर आपके कानों में पड़ती है तो समझो आपका वह कार्य होकर ही रहता है। साथ ही गुरुजी कहते हैं कि जिस घर में पूजा मंदिर में डमरू रखा होता है और शाम के समय या फिर सुबह के समय डमरू बजता है, ऐसे घरों में रहने वाले बच्चे के जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती है, कोई कठिनाई नहीं आती है। नौकरी, व्यापार, बिजनेस, जिस कार्य में वे सफल होना चाहते हैं उसमें उनको सफलता मिल जाती है। साथ ही कई प्रकार की बाधाओं को भी ये दूर कर देता है। साथ ही जो व्यक्ति तनाव में रहते हैं और जिनका मन शांत नहीं रहता है तो वे व्यक्ति तनाव मुक्त हो जाते हैं और उनका मन शांत रहना प्रारंभ कर देता है। दोस्तों, ध्यान से आपको यही कार्य प्रत्येक दिन करना है कि शाम के समय आपको अपने पूजा मंदिर में दीपक जलने के बाद तुरंत ही डमरू को 3 बार बजा करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। बिना पूजा पाठ के आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होती हैं। साथ ही अपने पूजा मंदिर में त्रिशूल को भी रखना चाहिए, क्योंकि त्रिशूल में रज, तम और सत गुण, तीनों ही गुण विद्यमान होते हैं। त्रिशूल के आगे सृष्टि की कोई भी चीज ताकतवर नहीं होती है। जिस घर में त्रिशूल रखा होता है उस घर में कभी भी अमंगल नहीं होता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की जो वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी है वो बहुत ही अच्छे से आप लोगों को प्राप्त हो गई होगी। फिर भी कोई बात ऐसी समझ नहीं आई हो, कोई भी शब्द ऐसा लग रहा हो जो आपकी सही से समझ नहीं आया, तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप अपने घर में अवश्य ही, यानी अपने पूजा मंदिर में एक डमरू अवश्य ही रख लें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही गुरुजी से जुड़ी हुई जानकारियां प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और नीचे कमेंट में ओम नमः शिवाय या फिर हर हर महादेव अवश्य लिखें।